प्रिय विद्यार्थियों मलराम का आचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय भीम आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम भाग में शामिल केशवदास विरचित रामचंद्रिका के अंगद रावण संवाद में संकलित कुछ पद्यांशों का अनुवाद देखेंगे व्याख्या करेंगे हम दास के पिछले जो तो वीडियो थे उसमें हमने देखा कि अंगद और रावण दोनों के बीच में वार्तालाप चल रही है अंगद और रावण दोनों अपनी मर्यादा के अनुसार एक दूसरे को अपने प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं एक दूसरे से तर्क कर रहे हैं तो इसी क्रम में आगे अंगद है वो रावण को बता रहे हैं रावण को क्या कह रहे हैं देखो श्री रघुनाथ को बानर केसव आयो हो एक न काहू हयोजु सागर को मद धारी चिकारी त्रिकूट की दे है बिहारी छयोजु सीए निहारी सहारी के राकस, शोक अशोक बन ही दयोजु अक्ष कुमार ही मारी के, लंक ही जारी के नीके ही जान भयोजु राम रादान के राज आए हा धाम तेरे महाभाग जागे अबे देवी मंदोधरी कुंभकर्ण आदि दे मित्र मंत्री जीते पूछी देखो सबे जे जाति को बंश को, को साधि जे लोक में लोक पर लोक को आने के पापरो देसुल को सुले आसु ही ईस सीता ही चले ओकले ये सारी बातें अंगद के द्वारा रावण को कही जाती हैं तो हम इसके अनुवाद से पहले हम इसका प्रसंग देखते हैं प्रसंग में आप लिखोगे लंका के राजा रावण के द्वारा अंगद से परिचय पाने के बाद उससे लंका में आने का कारण जानना चाहा और लंकाधिपति के आदेश का पालन कराना उसे सुखद अनुभूति दिलाती है तब अंगद रावण के बजाय विभीषण को लंकाधिपति घोषित कर हनुमान के लंका आने और लंका संहार का घटनाक्रम सुनाकर रावण को सावधान करना चाहता है कि राम की शरण में ही उसकी मुक्ति हो सकती है अन्यथा नहीं ये इसका प्रसंग है संदर्भ वो ही आपको पता है ये केशवदास विरचित रामचंद्रिका काव्य में अंगद रावण संवाद से लिया गया है अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं श्री रघुनाथ को वानर केशव आयो यहाँ पर अंगद रावण को बता रहे हैं कि श्री रघुनाथ अर्थात राम कि राम का एक वानर आया था अर्थात ये पूर्व में जो तो हनुमान आए थे सीता माता का पता लगाने के लिए उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम के एक वानर का आगमन यहाँ पहले हो चुका है न काहू हैजू उसका आपसे कुछ नहीं हुआ अर्थात एक सामान्य सा वानर आया था उस वानर का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो उसके स्वामी राम का तो आप बिगाड़ ही क्या पाओगे अर्थात उसके सामने तो आप कुछ हो ही नहीं अर्थात आपकी और उसकी शक्ति कहीं पर भी सम्मान नहीं है ये बात अंगद रावण को बताना चाहते आगे सागर को मध्य धारी कि हनुमान ने सागर के मध मध का अर्थ होता नशा झारी का अर्थ है झाड़ना अर्थात दमन करना नष्ट करना कि उन्होंने सागर के मध को सागर के नशे को नष्ट कर दिया था अर्थात कितने वृहत सागर को पार करके वो आए थे चिकारी त्रिकूट की देह और त्रिकूट जो राक्षसी थी उसकी देह को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था अर्थात उसको मार दिया था बिहारी थे उदू बिहारी का अर्थ है विहार करना घूमना और आपकी पूरी लंका में विहार करके गया था अर्थात हनुमान के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन किया गया है कि उसने सागर के मध को धार दिया था अर्थात सागर के नशे को नष्ट कर दिया था त्रिकूट की देह को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और पूरी लंका में विहार करके गया था सीए निहारी सहारी के राक्षस की माता सीता से मिलकर सीता को अच्छी तरह से निहार कर उसकी बातें सुनकर राम का संदेश उसे देकर सीता का संदेश राम के लिए लेकर सहारी के राक्षस राक्षस का अर्थ है समस्त जो राक्षस तो उन्होंने राक्षसों का सहार किया था सहार का अर्थ होता है मारना कि माता सीता से मिलकर सारे राक्षसों का संहार किया और शोक शोक का अर्थ होता है दुख अशोक बन ही देव कि अशोक वन को भी उन्होंने दुख दिया था कहने का मतलब है अशोक वन को भी उन्होंने उजाड़ दिया था अर्थात वो हनुमान की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहते हैं कि राम का एक दूत है राम का एक सेवक है वो इतना शक्तिशाली है कि उसने तेरी लंका में तबाही मचा दी थी अशोक वन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था तेरे राक्षसों को मार दिया था और तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया तू राम का क्या परिचय मांग रहा है आगे लिखते हैं अक्ष कुमार ही मारे के कि अक्ष कुमार को उन्होंने मार दिया था रावण का पुत्र था अक्ष कुमार जो हनुमान से मुकाबला करने के लिए गया था तो हनुमान जी ने उसको मार गिराया था तो उस घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अक्ष कुमार मार के लंका ही जारी के जारी के अर्थ है जलाकर कि उन्होंने अक्ष कुमार को मार दिया और लंका को जला दिया गया था और नीके ही जान भैजू निके ही का अर्थ है अच्छी तरह से जान का अर्थ है जा पाए और यहाँ से इतना विध्वंस करने के बाद भी तेरी लंका से अच्छी तरह सकुशल वो जा पाए थे अर्थात तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए अर्थात एक तरह से हनुमान के माध्यम से राम की प्रभुता का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि हनुमान जो राम के सेवक थे वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने तेरा बहुत कुछ से नुकसान किया लेकिन फिर भी तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए आगे राम राजान के राज आए कि राम को यहाँ पर राजाओं के राजा बताया गया है कि राम जो हैं वो राजाओं के भी राजा हैं तो आगे अंगद कहते हैं कि ये राम हैं जो राजाओं के राजा हैं ये यहाँ पर आए हैं धाम तेरे कि तेरे धाम पर अर्थात तेरे स्थान पर खुद चलकर राजा राम आए हैं महाभाग जागे अब कि तेरे तो भाग बड़े हैं तेरे तो महाभाग जाग गए हैं अर्थात अंगद रावण को समझाते हुए कहता है कि तू तो बड़ भागी है तेरे तो बड़े भाग्य हैं कि राजाओं के राजा राम स्वयं चलकर तेरे यहाँ पर आए हैं देवी मंदोदरी कुंभकर्ण आदि दे मित्र मंत्री जीते पूछ देखो सबे आगे अंगद रावण को परामर्श देते हुए कहता है कि ये केवल मैं नहीं कह रहा देवी मंदोदरी अर्थात रावण की पत्नी मंदोदरी के लिए कहता है कि तू अपनी पत्नी मंदोदरी कुंभकर्ण आदि अर्थात कुंभकर्ण आदि सारे भ्राता मित्र मंत्री जिते पूछ देखो सबे कि आपके जितने भी मित्र मंत्री आपकी पत्नी कुंभकर्ण आदि जितने भी आपके सब शुभ हैं इन सब से एक बार पूछ कर देखो वो सभी आपको यही सलाह देंगे कि आप राम की शरण में चले जाओ अर्थात रावण को अंगद समझाना चाहता है कि आपके राज्य में भी सभी लोग जानते हैं कि राम कौन है राम की शक्ति क्या है केवल आप ही नहीं जानते इसलिए आप अपने जो शुभ चिंतक हैं उन सबसे पूछ कर देखो कि राम कौन है राखीजे जाति को को वंश को साथ दीजिए लोक में लोक परलोक को आगे अंगद कहते हैं कि राखी जी जाति को यदि तुम अपनी जाति को रखना चाहते हो जाति को जीवित रखना चाहते हो तो राम की शरण में जाओ अर्थात वो कहते हैं कि यदि तुम राम की शरण में जाओगे तो आपकी जाति का भी रक्षण हो जाएगा पाति जाति पाति अर्थात अपने कुल के समस्त लोग तो अपने कुल और जाति को यदि बचाना चाहते हो तो राम की शरण में जाओ वंश को अर्थात अपने सारे वंश को यदि तुम बचाना चाहते हो तो राम की शरण ग्रहण करो जे लोक में लोक परलोक को और अंगद कहते हैं कि यदि तुम इस लोक में अर्थात इस संसार में अपने लोक और परलोक दोनों को यदि साधना चाहते हो अर्थात दोनों को यदि संवारना चाहते हो उज्जवल बनाना चाहते हो तो आनी के पाँ परो आनी के का अर्थ है आकर पाँ का अर्थ है पाँव परो का अर्थ है गिरो अर्थात पकड़ो कि यदि तुम इस संसार में लोक और परलोक को सुधारना चाहते हो अपनी जाति और वंश को बचाना चाहते हो तो आकर राम के चरणों में पड़ो अर्थात आकर राम के चरण पकड़ो राम की सेवा करना स्वीकार करो तब आपको क्या मिलेगा देश कोस उलें तब आपको अपना देश भी मिलेगा अर्थात आपको अपना राज्य भी मिलेगा और आपको अपना कोष भी मिलेगा अर्थात आपका जो खजाना है वो सब आपका ही रहेगा आंसू ही ईस और सभी की आपको आशीष मिलेगी सीता ही चले ओख को लेकिन इन सबके साथ आपको सीता को मर्यादा पूर्वक लेकर चलना होगा अर्थात अंगद कहते हैं कि यदि आप माता सीता को मर्यादा पूर्वक लेकर राम के चरणों में गिर जाओगे अर्थात राम की अधीनता स्वीकार कर लोगे तब आपका वंश जाति सब तो बचेगा ही साथ में आपको लोक और परलोक में यश की प्राप्ति भी होगी ये इसमें कहा गया है अब हम इसमें कुछ विशेष चीज़ें देखते हैं विशेष में आप लिखोगे कि इसमें हनुमान जी की वीरता का वर्णन करके परोक्ष रूप से राम की भक्ति भावना दर्शाई गई है दूसरा है रावण को जो तो अपना घमंड था दर्प था उसको भूल कर राम की शरण में जाने का उपदेश अंगद के द्वारा दिया गया है और श्री राम की कृपा से लोक और परलोक के सुधरने की बात कही गई है अगला है पारिवारिक सामाजिक और राजनीतिक आदर्श तथा मर्यादा का निर्वाह है किया गया है इसमें भाषा साहित्यिक ब्रज है ही अलंकार इसमें देखो अनुप्रास अलंकार जगह जगह है झारी चिकारी बिहारी निहारी सहारी इन सब में, में अनुप्रास अलंकार है और शोक अशोक इन शब्दों में शैभंग यमक अलंकार है यमक अलंकार जहाँ पर होता है जहाँ पर एक समान शब्द की आवर्ति होती है लेकिन अर्थ अलग होता है वहाँ यमक अलंकार होता है यहाँ पर देखो शोक और अशोक तीसरी लाइन में है कि सिए निहारी सहारी के राकस शोक अशोक बन ही दया तो यहाँ पर शोक और अशोक दो अलग अलग शब्द हैं शोक का अर्थ है जो किसी की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अशोक वन के लिए आया है लेकिन शोक शब्द दोनों में है जब दोनों शब्द स्वतंत्र होते हैं तो वहां पर अभंग यमक होता है लेकिन यदि दूसरा शब्द स्वतंत्र नहीं होकर किसी दूसरे शब्द में से जोड़ना या कुछ घटाना पड़ता है तो वहाँ पर सहभंग यमक होता है तो इसमें देखो शोक शब्द है लेकिन दूसरा शोक प्राप्त करने के लिए अशोक में से हमें ऐ को हटाना पड़ेगा इसलिए शोक शब्द प्राप्त करने के लिए हमें ऐ हटाना पड़ रहा है इसलिए यहाँ पर सहभंग यमक है तो ये इसकी कुछ विशेष बातें हैं आगे हम देखेंगे इसका अगला जो पद है वो अगले वीडियो में देखेंगे धन्यवाद